हेलो एवरीवन, शराब जी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं भिंडी दो प्याज़ा। हाँ जी, भिंडी दो प्याज़ा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, भिंडी को दो तीन बार अच्छे से धो लेना है। उसके बाद उसका आगे का और पीछे का नाखू काटना है और इसे सुखा लें, या तो कपड़े में उसे सुखा लें या वैसे सुखा लें। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाकू पे नींबू लगाया है। नींबू इसलिए लगाया है क्योंकि भिंडी जो है चाकू पे चिपक जाती है, वो लिस लिसापन होता है ना, उसकी वजह से। अब हमने यहाँ पे भिंडी को लंबा लंबा काटा है, भिंडी को लंबा काटना है बिल्कुल। ये छोटी साइज़ की भिंडी है तो इसके तो दो ही टुकड़े हो रहे हैं बिल्कुल। उसके बाद हमने प्याज को काटना है। प्याज पे चार पांच निशान बना लें और जो पनीर टिक्का में हम प्याज यूज़ करते हैं ना जैसा, वैसा काट लें प्याज को ब्लॉक्स में, ऐसे स्क्वायर टाइप में। और एक प्याज का हमने क्या करना है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। मैंने यहाँ पे दो प्याज इसलिए यूज़ करे हैं क्योंकि भिंडी कम है। अगर आप ज़्यादा सब्ज़ी बना रहे हैं तो आप ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक आप इस प्याज को काट लीजिए क्योंकि इसे हमने ग्रेवी में यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे एक टमाटर को काट लिया मैंने क्योंकि इसे पीसना है। कुछ लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा। अदरक मेरे पास थी नहीं इसलिए आप डाल लें। यहाँ पे कढ़ाई में तेल लेना है, तेल थोड़ा ज़्यादा ले लें क्योंकि हमें पहले भिंडी को फ्राई करना है। भिंडी को फ्राई करने का रीज़न ये है कि भिंडी इससे कुरकुरी और अच्छी बनती है, सब्ज़ी में स्वाद बढ़ जाता है। तो भिंडी को थोड़ा मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें, ज़्यादा हाई करेंगे तो जल जाएगी, इसलिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लें बिल्कुल। और जब ये ब्राउन होने लग जाए तब इसे निकाल लें। अब जो प्याज काटे थे हमने वो क्यूब्स वाले, उसको डाल लें और उसको भी फ्राई कर लें। ब्राउन होने पर इनको भी बाहर निकाल लें। अब तेल बच गया, उसी तेल में ज़ीरा डालें, अजवाइन डालें। अजवाइन डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा, लोगों को भिंडी सेंधती है, मतलब उन्हें भिंडी की सब्ज़ी खाने से परेशानी हो जाती है, बड़ी एज जिनकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अजवाइन डालने से वो पेट के लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो आप अजवाइन डाल सकते हैं अगर आपके घर में बड़े हैं तो। फिर प्याज डाल के इसे भून लें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद टमाटर डालें। अब टमाटर बिल्कुल जब ये तेल छोड़ दे उसके बाद हमने मसाले ऐड करने हैं। पहले हमने डाला हल्दी पाउडर और उसके बाद नमक थोड़ा सा, थोड़ा सा इसमें आपने क्या करना है, हरा धनिया डाल लेना है एक चम्मच के करीब, थोड़ा सा आमचूर पाउडर और लाल मिर्च। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स होने के बाद थोड़ा सा पानी डालें और इसे 5 मिनट के लिए भूने। पानी इसलिए डाला ताकि मसाले मिल जाएं बिल्कुल। अब जो हमने भिंडी और प्याज फ्राई करे थे वो हमने अपनी ग्रेवी में डाल लेने हैं और इसको थोड़ी देर के लिए आपको ढककर पकाना है। थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के ढककर पकाएं इसे, 5 मिनट के लिए ढककर पकाएं। जब हमने फ्राई किया था तो भिंडी को हमने 70-80% फ्राई किया था। अब हमारी भिंडी बिल्कुल बन के तैयार है, ये बिल्कुल पक चुकी है, ज़्यादा ना पकाएं। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है भिंडी। ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।